Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. अच्छा जनाब, अब तक तो आप लोगों ने यहाँ पे बुकिंग तमाशा और ये वो सारा कुछ दिखाया, एंजॉय किया, यानी कि आपके तालियों से पता लगेगा इस साइड वालों ने एंजॉय किया, पीछे जो लोग बैठे हैं उन्होंने एंजॉय किया, सर्दी है शायद ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं। हाँ, तालियां बजाएं पहले सब, जितनी परफॉर्मेंस हो चुकी है सबके लिए पहले बहुत सारी तालियां प्लीज। थैंक यू मच। अच्छा जनाब, ये तो हम जमीन के ऊपर की बात कर रहे थे, अब तक जितनी भी हमने अभी तक आपको परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो जमीन के ऊपर की थी। अब हाथ उठा के बताइए कि समंदर की दुनिया से कितने लोग वाकिफ हैं? वन, ओह वेरी गुड। और फिशिंग का शौक किस किस को है? बस इन्हीं लोगों को है। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में फिशिंग ऑफ फादर जो है, जो लता पिला, वो साहब भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो उन इस चीज़ के लिए आप लोग मेरे ख्याल से पहले तो तालियां बजाएं, क्योंकि ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। पिछले 50 साल से वो सिर्फ समंदर में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज वो समंदर से बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके लिए ले कर आए हैं। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब अजीज आगा साहब को कि वो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है इनके लिए तालियां बहुत कम है। मिस्टर अजीज आगा साहब, हाथ उठा के प्लीज, हाथ उठा के क्लैप करें ऐसे। अच्छा, आपने काफ़ी देर से देखा होगा यहाँ पे ये अजीज आगा साहब, प्लीज़। मैं बड़ा शौक होता हूँ जब भी देखता हूँ आपको, ये डिफरेंट स्टाइल की शर्ट होगी आपके पास, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें, मुझे भी समझ में आ जाएगा ये क्या है। मैंने आपको जिस इवेंट में भी देखा है, एक डिफरेंट स्टाइल की शर्ट मिलेगा प्लीज़। भाई मैं नाम सैयद अजीज आगा है, तकरीबन 50 बरस से समंदर में मछली का शिकार करता हूँ। तो ये शर्ट मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि बाहर के ममालिक में फिशरमैन, यानी कि ये खेल पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। पाकिस्तान में लोग सिर्फ क्रिकेट को जानते हैं, थोड़ा हॉकी को जानते हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन बाहर के मुल्क में आबी खेल को भी बहुत ज़्यादा पसीराई मिलती है। मैं ये शर्ट पहनता हूँ इसलिए सारे जैसे आपके फिशिंग के वो हैं मैस्कॉट्स हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप समंदर में आएंगे, कुदरत में आएंगे, तो अल्लाह को भी पहचानने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, खुद आप कुदरत से अल्लाह को पहचाने। अच्छा सर, आप समंदर से तो आए, हमारे लोगों के लिए समंदर से क्या लाए हैं ये तो बता दीजिए। आज बच्चों, आप समंदर के मखलूक के बारे में जानते हैं, आज हमने समंदर से कुछ समंदरी मखलूक बुलाए हैं यहाँ खास आप लोगों के लिए। हमारे पास चार किस्म की मछलियाँ हैं, वेल है, डॉल्फिन है, शार्क है और मार्लिन मछली है। ये चारों हम अभी हम स्टेज पे बुलाएंगे। अच्छा, आप लोग कितने बच्चे हैं जो मछलियों के साथ अभी खेलना चाहते हैं? जो भी सारे बच्चे इधर रोक के इस साइड पे आ जाएं, सारे जितने एंजॉय करना चाहते, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बस बस ठीक है, ये मैं खुद नीचे आ जाऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जिस जिस एंजॉय करना प्लीज आ जाए इधर ही, इस बिल्कुल इस जगह पे। कम ऑन लेडीज, क्लैप।